67वें नेशनल फिल्म अवार्ड का आयोजन हुआ। हिमाचल की बेटी कंगना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से नवाजा गया और किसे कौन सा अवार्ड मिला है रिपोर्ट में देखिए। साल 2020 कोरोना महामारी लेकर आया तो देश और दुनिया को काफी बड़े आर्थिक संकटों से जूझना पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री पर भी कोरोना का अच्छा खासा असर देखने को मिला। काफी फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई जिससे बॉलीवुड को बड़ा नुकसान हुआ। वहीं नेशनल फिल्म अवार्ड ना होने से काफी एक्टर निराश नजर आए। हर साल 3 मई को होने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड का आयोजन पिछले साल कोरोना काल में लगे लॉकडाउन की वजह से स्थगित करना पड़ा। हालांकि 11 महीने बाद नेशनल फिल्म अवार्ड नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित किया गया जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पुरस्कारों की घोषणा की। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन सा खिताब किसके नाम रहा। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड छिछोरे फिल्म के नाम रहा। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत ने अपने नाम किया। उन्हें मणिकर्णिका और पंगा के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा मनोज वाजपेयी और धनुष को बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड दिया गया है। मनोज वाजपेयी को भोसले और धनुष को असुरन के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया है। सर डेविड अंटेनवर्थ की वाइल्ड कर्नाटक बेस्ट नरेशन के तौर पर चुनी गई है। बेस्ट एडिटिंग के लिए शटअप सोना को चुना गया जिसके लिए एडिटिंग अर्जुन गोरीसराय ने की। बेस्ट एनिमेशन फिल्म का अवार्ड राधा को गया है। वहीं बादरो को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड वी प्राग को केसरी फिल्म के लिए दिया गया है जिसका गाना तेरी मिट्टी उन्होंने गाया। इतना ही नहीं साउथ और बंगाली सिनेमा में भी कई नाम इस फहरिस्त में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इस सेरेमनी में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा 1 जनवरी 2019 से लेकर 21 दिसंबर 2019 तक सर्टिफाइड की गई फिल्मों को पुरस्कार वितरण के लिए एंट्री दी गई। पुरस्कारों के लिए आखिरी एंट्री 17 फरवरी 2020 तक रखी गई थी। ये सेरेमनी 2020 में होनी थी लेकिन कोरोना के कारण ये लगातार डिले होती चली गई जिसके बाद अब ये सेरेमनी पूरी हुई है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।